हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉस्टिंग कैसे बनाई जाती है। तो ऑलरेडी आई होप कि आपने एलिमेंट शीट बना ली है और आपको एलिमेंट शीट पूरी समझ में आ चुकी है और आप अब एलिमेंट शीट बनाने में प्रो हो चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉस्टिंग की ओर। तो चलते हैं स्क्रीन के अंदर। राइट, सो फॉर्मेट सेम है। तो ऊपर से अगर आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो इवेंट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी ऑप्शनल और अमाउंट का हम कॉलम डालते हैं। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप एक रिमार्क्स का कॉलम भी डाल सकते हैं जो कि हम हमारे प्रेजेंटेशन में डालते हैं। तो रिमार्क्स के अंदर हम वो सारी चीजें लिखते हैं कि जो यहाँ पे इस कॉलम में फिट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे पंजाबी ढोल है। तो राइट, पंजाबी ढोल इंक्लूसिव, तो ये जो कॉस्ट है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट्यूम ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेट्रा। जैसे कपल रंगोली है तो दिस कॉस्ट इज एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द कैनवास। राइट, सो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन आर रिमार्क्स जो भी चीजें हमें क्लैरिफाई करनी है विद आर क्लाइंट। सो अब जैसे कि ये कॉलम्स है तो इसमें एक ऑप्शनल कॉलम है, एक अमाउंट कॉलम है। अभी ऑप्शनल कॉलम का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलम। जैसे सपोज कि मैंने ना इसका पंजाबी ढोल जो है, और यहां पे हम एक और कॉलम डाल देते हैं। इस कॉलम को हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। राइट, और इस कॉलम पे यहां पे हम एक और कॉलम डाल देते हैं, इसको हम बना देते हैं अमाउंट और इसको हम रिमार्क्स। राइट, ताकि हमारी ये कॉस्टिंग शीट जो है पूरी हो, आपको सीधा सीधा ये फॉर्मेट यूज करके अपनी कॉस्टिंग शीट बनाने में आसानी हो। अब कॉस्ट पर यूनिट जो है, सपोज हमारा पंजाबी ढोल और एक डांसर है, तो एक जन जो है वो 2500 रुपए लेने वाला है। सो अब हमने क्या किया, इक्वल टू किया इसको। इक्वल टू करने के बाद ये वाला सेल सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने एस्ट्रिक मार्क डाला और ये वाला सेल सिलेक्ट किया। अब सपोज क्लाइंट बोलता है कि 3 की जगह हमें 2 करना, तो हम 2 करेंगे तो सीधा यहाँ पे हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। और उसी को हम एट दी एंड जब पूरा टोटल भी सम से करेंगे, ताकि हमारी पूरी एक्सेल शीट जो रहे वो एक साथ में फॉर्मेटेड रहे। और फॉर्मेटेड रहेगी तो हम बीच में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा टोटल अपने आप से चेंज होते रहेगा, और जो कि हमारे लिए बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सपोज तुतारी है, तो उन्होंने हमने 1500 रुपये लगाए, तो उसी को सिमिलरली अगर मुझे यही फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्लस साइन पे, ये ऐसे ऐसे करूंगा, ऑटोमेटिकली वो ये सेम फॉर्मूला ले लेगा, ये वाले सेल को ये वाले सेल से मल्टीप्लाई कर देगा। राइट, सो सिमिलरली कपल रंगोली मुझे अगर डालनी है 6000 रुपए, तो मैं यहां डाल दूंगा। और यहां पे मुझे अगर लिखना है मेरा रिमार्क्स एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जब क्लाइंट ये रीड कर रहा है, कॉस्टिंग शीट देख रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि 6000 रुपए प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा उसको देने हैं। तो आप लोग जब अपना पूरा नीचे मिसेलिनियस ट्रांसपोर्टेशन ये सब डालोगे, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे चीजों का आप ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर पाओ। राइट, उसी के साथ साथ में यहाँ पे हर इवेंट के बाद मैंने ब्रेक लिया है। सो इसको अगर आप नहीं लोगे तो भी आपके, तो वो अगर आप टोटल सम, जैसे ही सपोज अगर मेरे को यहाँ पे एक और इंसर्ट करना है और यहाँ पे मुझे इतने चीजों का टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये एक फंक्शन लिया और यहां पे आके ये सम पे क्लिक कर दिया, तो टोटल मुझे ये 3 फंक्शंस के, मुझे 3 चीजों के टोटल मिल गए। अब एट दी एंड जब मुझे टोटल लेना है, तो मैं यहां पे जब टोटल कॉलम करूंगा, तो इक्वल टू ये सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं प्लस करूंगा, और प्लस करने के बाद मैं यहाँ वाले टोटल सेल को सिलेक्ट करूंगा, प्लस मैं यहां वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, और वैसे ही मैं अपना टोटल पूरा फॉर्म कर सकता हूं। राइट, सो ये आपकी कॉस्टिंग शीट है। कॉस्टिंग शीट सेम आपनी जो एलिमेंट शीट ली है, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप वेंडर्स ढूंढ सकते हो। अब जैसे ब्रास बैंड है, तो ब्रास बैंड 11 पीस का मेरे को कॉस्ट डायरेक्टली नहीं पता है कि पर पर्सन क्या लेता है। सो मैं क्या करूंगा, लोकल ब्रास बैंड वाले को कॉल करूंगा, मैं उसे पूछूंगा कि भैया ये इवेंट है, इस डेट पे है, आप कितना चार्ज करोगे 11 लोगों को बुलाने का यूनिफॉर्म के अंदर प्रॉपर। तो उसने सपोज बोला कि मैं 11000 रुपये चार्ज करूंगा, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंक्लूडिंग नीट यूनिफॉर्म। राइट, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आप लिख सकते हो कि ये जो 11000 का कॉस्ट है वो यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। सो इससे क्या हो रहा है, क्लाइंट को समझ में आ रहा है कि 11 लोग हैं, 11000 रुपये लगने वाला है, यूनिफॉर्म पहन के आएंगे अच्छे से। प्रॉप्स सपोज यहाँ पे आपको 100 प्रॉप्स खरीदने, राइट, पर प्रॉप आप एवरेज कर रहे हो 75, और 75 का आपने क्या कर दिया, 75 × 100 कर दिया 7500। अब ड्यूरिंग दिस मीटिंग क्या हो रहा है ना, क्लाइंट आपको बोल रहा है कि ये जो 7500 ना, अभी के लिए आप ऑप्शन रखो, इसको अभी हम फाइनल नहीं करते, इसको हम बाद में करेंगे। तो आप क्या करोगे, सिमिलरली यहाँ पे आके इसको कर दोगे इधर एस्ट्रिक्मा, और यहाँ पे आके आप इसको ऑप्शनल में डाल दोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये ऑप्शनल कॉलम, तो क्या होता है ना, एज ए वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर हम बहुत बारी अलग अलग कॉस्ट अलग अलग क्लाइंट्स को देते, और हमें याद नहीं रहता कि हमें इस क्लाइंट को कितना कॉस्ट दिया था, या इस क्लाइंट को हमने कौन सी चीजें दी थी और कौन सी चीजें हमने माइनस कर दी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको डिलीट नहीं करते,
अगर आप यहाँ पे 7500 होता और डिलीट कर देते और ऑप्शनल कॉलम नहीं होता, और बाद में आपने सपोज क्लाइंट से जब बात की हो, और ये तो चलो वेलकम प्रॉप्स है तो इसकी बात तो अलग है, सपोज ये कैटापुल्ट होता तो क्लाइंट, आपने इसको क्लाइंट को चार्ज किया 5000 रुपए, क्लाइंट बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है आप इसको हटा दो हम बाद में देखेंगे, इवेंट के 2 दिन पहले क्लाइंट आपको बोलता है कैटापुल्ट हमें रखना है, आप बोलते हो 6000 रुपए लगेंगे, फिर क्लाइंट ने वो अपनी पुरानी कॉस्टिंग निकाल के देखी उसमें बोला आपने तो 5000 रुपए लिखे थे, तो वो गलत हो जाएगा। सो अगर क्लाइंट ने आपको मना किया है 5000 रुपए में, तो आप क्या करो उसको 5000 अपनी अपने क्लाइंट को दिखा दिया एक बार कॉस्ट, तो उसको साइड वाले कॉलम में जो है यहाँ पे लिख दो 5000 रुपए और इसको हटा दो, क्योंकि क्लाइंट ने बोला है ना बाद में देखेंगे, क्लाइंट ने ऐसा नहीं बोला एकदम हटा देंगे, तो इसको बाजू के कॉलम में रखा है, फिर अगर क्लाइंट बोले कि इसको हमें रखना है तो इक्वल टू करके इसको रख दीजिए वापस, है ना, तो यहाँ पे 5000 लिख दे, तो इससे क्या होगा कि आपको याद नहीं रखना होगा कि आपने कौन से क्लाइंट को कितना कॉस्ट दिया था, और उसी से आपका क्या होगा आपका एक सिंक में भी रहेगा कि आपने ये क्लाइंट को ये चीज सजेस्ट की थी, ये चीज फिर ऑप्शनल में है, और आप एट दी एंड क्लाइंट को फिर पूछ सकते हो कि आपने ये बोला था कि रखना है नहीं रखना है, सो आपने क्या फाइनल किया है एट दी एंड, आपको रखना है कि नहीं रखना, सो ऑप्शनल कॉलम का आपका इसलिए फायदा होता है, राइट। सो इसी तरह से आप अपनी पूरी कॉस्टिंग शीट बनाते हैं और यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ों के कॉस्टिंग डालते हैं, अपने मैनेजमेंट अपना फीस डालते हैं कि आप कितना मैनेजमेंट चार्ज करना चाहते हैं, और इसी तरह से आप अपनी कॉस्टिंग शीट बनाते हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक जो कॉलम है, हमेशा जब आप अपनी शीट को चेंज करें तो यहाँ पे आप एक लिख दीजिए अपडेटेड एज ऑन। अब इससे क्या होगा कि मैंने आज ये शीट को बनाया तो मुझे पता है कि मैंने 26/01/2022 को ये शीट को अपडेट किया था, अब क्या होगा कि सपोज मैं भूल गया थोड़े टाइम बाद कि ये शीट को मैंने कब अपडेट किया था, तो या मैं ये शीट जो है ना ये फाइनल वाली शीट है या नहीं, तो मुझे ये तो याद है कि मैं मीटिंग के लिए कब गया था, मैं 26 तारीख को क्लाइंट से मिलकर आया था और उसके बाद मैंने ये शीट को अपडेट किया है, तो मुझे याद है हाँ ये चलो फाइनल शीट है। बट उसी के साथ साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कभी भी अपनी जो एग्जिस्टिंग शीट है उसको डिलीट मत करिए। तो सपोज ये मेरी एक एग्जिस्टिंग शीट है तो और मेरे को है ना इसका एक नया वर्जन बनाना, तो मैंने इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया और मुझे इसको एक नया वर्जन बनाना, तो मैंने इसको क्या क्या रीनेम करके इसको वर्जन 2 लिख दिया, सो V2, V3, V4, V5, V6। इससे क्या होगा जब भी आप कोई क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो और वो क्लाइंट ने बोला कि अरे वो फर्स्ट मीटिंग में जो हमारी बात हुई थी ना वो मीटिंग का मुझे आप वो वाली चीज ऐड कर दो या लेस कर दो, तो आप सीधा वो शीट में जाके भी चेक कर सकते हो कि आपने क्या कम्युनिकेशन किया था विद योर क्लाइंट एंड क्या बातचीत आपकी हुई थी, तो आपकी कम्युनिकेशन क्रॉस नहीं होगी एंड यू विल बी ट्रू टू योर वर्ड्स, एंड इसीलिए आपकी जो शीट का जो काम है वो काफी सॉर्टेड रहेगा एंड आपको बार बार इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि अब क्या हुआ था तब क्या हुआ था ऑप्शनल में क्या था क्या उनसे पूछना था क्या बातचीत करनी थी, एंड इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड सिंपल फॉर्मेट इजी टू फॉलो। नीचे आपको इसका भी फॉर्मेट मिल जाएगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा नीचे, आप ये सिमिलर फॉर्मेट यूज कर सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये जो फॉर्मेटिंग होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू एक्सेल आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइडीनेस और क्लीनिनेस ऑफ दिस होल फॉर्मेट। तो क्या करना है, तो ये एक्सेल जब हम नया बनाते हैं सो ये इस तरह से दिखता है, राइट। तो सपोज मेरे को ये इतना पार्ट जो है ना इतना पार्ट यूज करना है, सो मैं इसको यूज करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। अब जैसे सपोज ये सेंटर वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे हेडिंग्स देनी है तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, और सपोज मेरे को ये वाला जो पार्ट है इसको हैवी बॉर्डर्स देनी है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मेरे को ये पूरा पार्ट हाईलाइट करना तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे मेरा पूरा एक्सेल हो गया कंप्लीट, मेरे को ये साइड वाले जो पार्ट्स है ना वो लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं ये पूरी रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके व्हाइट कलर कर देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ से लेके एंड तक पूरा करना है तो मैं ये सेल पे आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा, मैं नीचे का एरो की दबाऊंगा और मैं राइट साइड का अगर एरो की दबाऊंगा तो राइट साइड तक पूरा सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद मैं व्हाइट कलर कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ से लेके मुझे नीचे और राइट साइड तक करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट नीचे और राइट साइड प्रेस करूंगा और ये कर दूंगा, और सिमिलरली मुझे ये कॉलम को भी करना है मैं ऐसा कर दूंगा। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ये इतना पर्टिकुलर कॉलम और इसको अच्छे से हाईलाइट करना, कहीं पे बोल्ड करना, कहीं पे उसे नॉर्मल टेक्स्ट रखना, तो आप लोग देख सकते हो कि इससे एक शीट जो है वो अच्छी दिखती है और रीड करने में मजा आता है। कलर कॉम्बिनेशंस भी आप रख सकते हो कि कौन सी चीज़ है, जैसे अभी यूजुअली हम क्या करते हैं सपोज इसी शीट में हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, जब डिस्कशन कर रहे हैं क्लाइंट ने बोला राजस्थानी ढोल को हम पेंडिंग रखते हैं, सो हम जो पेंडिंग चीज़ है उनको येल्लो कलर दे देते हैं, जो कन्फर्म चीज़ है कभी कभी, तो जैसे सपोज क्लाइंट ने इसको ऑप्शन में रखा था और उसको बाद में कन्फर्म किया, सो आपको क्लाइंट को वापस से कॉस्ट शीट रिवाइज करके भेजनी है और आपने जो पूरा काम है वो 5 लाख
5 लाख में फाइनल किया है, अब ये जो कॉस्ट है वो इसके ऑप्शनल से यहाँ पे आने वाला है, तो क्लाइंट बोलेगा 5 लाख का 5 लाख 5,000 कैसे हो गया, तो आपने इसको ग्रीन कलर मार्क कर रखा है, और क्लाइंट तो बोल सकते ये जो चीज है वो ऑप्शनल में थी, वो अभी हमारी एड हुई है, तो ये 5,000 यहाँ से आया, सपोज 5 लाख का 495 हो गया, तो वो कैसे हो गया, तो ये जो चीजें थी वो हमने अभी हमारी मीटिंग के अंदर डिलीट कर दी है, तो इसीलिए वो 5,000 रुपए यहाँ से कम हो गए। सो कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ फिक्स कर सकते हो, ग्रीन ऑलवेज आपने कुछ ऐड किया है, येलो पेंडिंग, रेड कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, सिमिलर कलर्स ऑप्शंस। सो इस तरह से आप अपने एक्सेल को भी सीख सकते हो और अपनी कॉस्टिंग इस तरह से बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कॉस्टिंग्स कैसे बनती है, कैसे आपको वेंडर्स से कॉस्टिंग आती है और आप उसको कैसे एक्सेल फॉर्मेट में डालते हो। सो होपफुली यू हैव लर्न द कॉस्टिंग पार्ट ऑफ वेडिंग प्लानिंग एंड see you with this. I will see you in the next video, and tab tak bye, see you.